भाइयों और बहनों, ब्लू इकोनॉमी नए भारत की पहचान बनने वाली है। हमारा प्रयास है कि समंदर में जितने संसाधन है उनका संवर्धन और संरक्षण भी होना चाहिए और वो समुद्री तट पर बसे हमारे साथियों के काम भी आए, मछुआरों के काम आए, समुद्री तट के गांव के लोगों के काम आए। सरकार इन प्रयासों के बीच मैं अपने मछुआरे साथियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आप देश की सुरक्षा के भी सतर्क चौकीदार हैं और इस समुद्री संपदा के भी आप चौकीदार हैं। आप दोनों रोल बखूबी निभाते हैं, पूरी मुस्तैदी से निभाते हैं। इसी कड़ी में आपको सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम से कम करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे समुद्री जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ देश भर में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे समंदर को, हमारे समुद्री तट को इससे मुक्त रखने में आपका सक्रिय सहयोग बहुत ही जरूरी है। हमारा ये समंदर, हमारे समुद्री जीव ये सुरक्षित रहेंगे तो यहां का सामाजिक आर्थिक जीवन भी समृद्ध होगा और भारत भी सशक्त होगा। रही बात हमारे मत्स्य उद्योग की, तो उसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मछली पालन से जुड़े तमाम मामलों की देखरेख के लिए केंद्र सरकार में अलग से विभाग बना लिया गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मछुआरों को बैंक से आसानी से ऋण मिले, उनकी बोट का आधुनिकीकरण हो सके।